खूबसूरत फूलों वाले, खूबसूरत फलों वाले, खूबसूरत पत्तों वाले पौधों के साथ साथ कुछ घासें भी बेहद खूबसूरत होती हैं, जैसे कि अपनी फाउंटेन ग्रास यानी कि फब्बारा घास। अपनी गार्डन फैमिली में एक और जुड़ गया नया मेहमान, मुझे तो बेहद खूबसूरत लगी, तो सोच रही हूँ आपको भी मिलवा देती हूँ अपने इस खूबसूरत घास नुमा पौधे से। सब कुछ जानते हैं इस पौधे के बारे में। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है यही खूबसूरत सा घास नुमा पौधा। अभी अभी इस फब्बारा घास को रिपोर्ट किया, इसलिए आसपास की गंदगी नज़र आए तो उसको नज़रअंदाज करिएगा और अपना फोकस सिर्फ इस खूबसूरत से पौधे पर करिएगा। मेरे पौधे में मात्र अभी दो फूल खिले हैं, ये देखिए है ना। इस घास के पत्ते भी बेहद खूबसूरत और फूलों की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि फूल छूने में बेहद सॉफ्ट हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कांटे हों चुभेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम से मखमली एहसास इन फूलों में। आपके घर में बच्चे होंगे ना तो इन फूलों को बार बार छूने जाएंगे। ये देखिए रिपोर्ट किया, मुझे बेहद खूबसूरत लगा तो दौड़ के आ गई आप सभी को दिखाने। अब जान लेते हैं इसकी छोटी मोटी केयरिंग। जैसे कि इसका नाम है फाउंटेन ग्रास, तो इसकी केयरिंग भी कुछ खास नहीं है, घास फूस की तरह ही आप बहुत साधारण सा रख रखाव करेंगे तो आपका ये पौधा जंगल की तरह हो जाएगा। ये देखिए है ना, मैंने बड़े से अपने बिस्लरी के कटे हुए कंटेनर में लगा दिया है, और चूंकि काफ़ी आसपास से फैल रहा था तो इसलिए मैंने सपोर्ट देने के लिए रस्सी बांध दी, और इधर देखिए मिट्टी विट्टी सारी बिखरी पड़ी है। अपनी साधारण सी जो मिट्टी होती है वही मैंने इस्तेमाल करी, थोड़ा सा दो चार मुट्ठी यहाँ पर अपना किचन वेस्ट मिला दिया और कुछ भी इसमें खास मैंने डाला ही नहीं है। बस आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होगी जैसे कि हम सभी पौधों की बनाते हैं, और कुछ भी इसकी एक्स्ट्रा केयरिंग नहीं है। इस पौधे को आप खुली धूप में रखिएगा, जहाँ पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा धूप लग सके तो ही इस पौधे की पत्तियों का कलर भी निकल के आएगा और फूल भी बहुत ज़्यादा होंगे। बस यही इस पौधे की डिमांड है कि खूब सारी धूप, और जब मिट्टी सूखने लगे तब पानी देना है। बहुत ज़्यादा शुरुआत में पानी ज़्यादा नहीं देंगे, मिट्टी को दलदल नहीं बनाएंगे, और जब पौधा मैच्योर हो जाएगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका पौधा ना गलेगा ना ख़राब होगा। कीड़े मकोड़ों का प्रकोप इसमें बहुत ज़्यादा होगा नहीं, घासनुमा पौधा है, एक बार लगा के डाल दिया तो बस इंजॉय करते रहिए। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद।